तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू फर्स्ट ब्लॉग इन माय यूट्यूब चैनल। आप सारे खैरियत से हैं, शुक्र है मैं भी खैरियत हूँ। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल में फर्स्ट ब्लॉग जा रहा है, ठीक है। मेरे ब्लॉग्स में मैं बता दूँ, मैं फरिया हूँ, ठीक है। हम पाँच बहने हैं, कोई भाई नहीं है, सात फैमिली मेम्बर्स हैं, पर हमारे ऐसे ज्वाइंट फैमिली है, पोर्शन बाय पोर्शन है। मेरे ब्लॉग्स में आप लोग को हर एक एक चीज़ दिखाई जाएगी। ये नहीं है कि शोर आ रहा है, घर गंदा है, ये मतलब कैमरा बंद कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम मान नहीं आएगी, बकाया मेरी अलग शुक्र है दो बहने ब्लॉग्स में आएगी, ठीक है। कजन भी है सारे, बड़ा मजा आने वाला है मेरे ब्लॉग्स में। अगर आप लोग मेरे चैनल में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को भी दबा दें, अपने ब्लॉग का आगाज करते हैं, ठीक है। रमजान मुबारक का पाक महीना है और अभी आज रोज़ा है मेरा भी, और मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है, लाहौर का बहुत ज़्यादा प्यारा है। हवा चल रही है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा प्यारा मौसम है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे ब्लॉग्स कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, पर मेरी कोशिश है कि मैं अपने ब्लॉग डेली अपलोड करूँ। मेरे अब मेरा कभी कभी अलग सीन नहीं है, पेपर्स मेरे ख़त्म हो चुके हैं। इंशाल्लाह डेली ब्लॉग, इंशाल्लाह डेली ब्लॉग्स आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद होंगे, ठीक है, पसंद आए होंगे। अभी चलते हैं और मैं बताती हूँ कि आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है, आज देखते हैं हमारा ब्लॉग किस तरह बनता है। ये पुदीना धनिया है जो मैंने खुद उगाया था अपने हाथों से, ठीक है। मुझे मतलब पौधों उगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी धनिया, ये मेरे ख्याल से पालक है, इतनी नीप मुझे पौधों के बारे में पता। ये पुदीना धनिया और ये है एलोवेरा। इनको फिर पानी नहीं मिला, इनको पानी भी देना है तो पानी देते हैं। पहले अंदर जाती हूँ, मैं आप लोग को दिखाती हूँ हमारे घर 24 घंटे किस तरह की रौनक लगी होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे उम्र वाले हमारे घर में, छोटे उम्र वाले बच्चे बहुत ज़्यादा है। बताती हूँ और दिखाती हूँ, अभी आधे बच्चे, अभी आधे बच्चे कहीं और। तो ये रही जुलेखा, ठीक है, ये रही मैं सबसे छोटी बहन। मतलब कौन हो यखा, आप कौन हो यखा, और आप कौन? ये इब्राहिम है, ये भी मेरा कज़न है, ये भी मेरी कज़न है, और ये मेरी बहन है, ठीक है। ये तीनों बच्चे अक्सर पोषण में पोषण, ये भी मेरी कज़न है। अपना नाम बताओ फटाफट, अदा, ठीक है। ये सारे बच्चे पोषण पोषण, ये पोषण नीचे पोषण, साइड वाला पोषण उससे नीचे पोषण है, साथ वाले घर में रहते सारे कज़न और मेरी बहनें हैं, ठीक है। ये रहे बच्चे, बस बाहर आ जाओ, चलो चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर बाहर आ जाओ, 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 जल्दी आ जाओ, तुम भी आओ, इधर आओ, आ रही आ रही आ रही। और ये रही मेरी मेरे बाद वाली बहन जो किताबों का ये हाल करिए, दिखाओ तो ज़रा एक मिनट, यार कर क्या रही हो, ठीक है, हाँ आ रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी बहन रोटी बना रही है, उसका तो अपना रोज़ा है, घर में सबका रोज़ा है, बस छोटे बच्चों के लिए बना रही है। और आज मैंने किचन साफ़ किया, आप लोग बताएं किस तरह का साफ़ किया, अच्छी तरह साफ़ किया। अक्सर मैं किचन साफ़ करती, आज तो खैर नहीं किया, रोज़ाना करती, मेरा काम है। इफ्तारी से पहले जो बर्तन होते हैं गंदे, वो मेरा काम है देना। हम इसमें सब बच्चे होते, छोटे बच्चे होते हैं, उनका नाश्ता और सहरी के बाद ले बर्तन हो जाता, ठीक है। ये जो भी बना रही है हमें नहीं पता, पर मेरा रोज़ा, कोई बात नहीं। ये मानीस और केचप मिक्स किया ना, और ये मेरे ख्याल से अंडा है, ये अंदर ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर करी, काली मिर्च डाली हुई है, ये ना समझो चोर ही, अच्छा ठीक है। और अब चलते हैं बाहर और बताती हूँ क्या हाल है। ये बच्चा है हमारी मतलब मम्मा की मतलब पूरी आंटी है, आंटी कह रही हूँ मतलब क्या कहो उसको, मेरे ब्लॉग में से क्या कहो, बस ये कोई बच्चा है, बस ये कोई बच्चा है, बस ये कोई बच्चा है, ठीक है। चलते हैं बाहर बताती हूँ क्या सुनात है। अभी हमारी नानू हमारे लिए फ्रूट्स लेके आई है, स्ट्रॉबेरी है, ये पता नहीं इसे क्या कहते हैं, मुझे भूल गया है क्या कहते हैं, बुनू उसको कुत्ती क्या होते हैं, अच्छा ठीक है बहना, ये फ्रूट बननी है, कल पीछे दो, ठीक है। और ये मैं खास से क्या कहते हैं, अमरूद है, ये सेब है, बस ठीक है बना, इसकी फ्रूट चाट बना, मम्मा से पूछ के जो भी करना करना, बच्चों की नज़र से बचा लो प्लीज, ठीक है। चलते हैं बाहर, चलते हैं अब नीचे, हो मैं आपको बता दूँ नीचे के क्या मतलब, लेट्स गो, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। पहला व्लॉग है,
अगर कोई मिस्टेक होगा उसकी मुझे मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। अभी दिखाती हूँ क्या हो रहा है। प्यारा सा ग्राज और ये रहा प्यारा सा लॉन, ठीक है। इसमें मेरे कुछ कुछ व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो सामने नानों का पोर्शन है, उसके मामी वगैरह इस तरह हमारे जॉइंट फैमिली है, ठीक है। और अब चलते हैं ऊपर वापस। और रोज़ा है, मैं कह रही हूँ मेरा टाइम पास को नमाज बोले जोर की, पहले बिस्तर की पढ़नी आज़ाद तो हो चुकी है सर की। चलते हैं ऊपर और हम आपको दिखाएंगे हमारे घर में इफ्तारी किस तरह पकती है, क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स गो, देखते पकना भी क्या है आज। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, खेलने देते हैं। अभी यहाँ पे ये सारे बच्चे खेल रहे हैं, इनको देते हैं खेलने। अभी मेरे स्पाइरली भी आना है, ठीक है। और एक और मेरी बहन है जो मेरे व्लॉग्स में, अभी आप लोगों को व्लॉग नहीं, बस घर में नहीं, क्योंकि उसके बोर्ड पेपर चल रहे हैं 9th क्लास का, बोर्ड का पेपर देने गई है, उसका इवनिंग में है, ठीक है। और अभी मेरी स्पाइरली आना, स्पारे वाली ने भी आना है, उससे स्पारा भी पढ़ना है, इफ्तारी भी तैयार करवानी है, इफ्तारी करनी है, बहुत काम करने हैं। पेपर तो खैर मेरे ख़त्म हो गए, पढ़ाई से मैं बिल्कुल फ़िलहाल फारिक हूँ। अभी एक अप्रैल को नई क्लास शुरू हो जाएगी, तो अभी बताती हूँ, मिलती है हम आपको बाद में। यहाँ पे अभी दिमाग में थोड़ा सा आसमान के नोटिस किया, तो आप लोग देखिए बादल कितने प्यारे और हसीन लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, अजीब से, मतलब ये देखे ना। और ये आपको दिखाती हूँ इब्राहिम खा किस तरह है। तुमने कभी रोटी नहीं खाई क्या? अब चलते अंदर देखते क्या हालात वगैरह है। अभी हमने अपनी बिल्ली, हमारे पास एक बिल्ली भी है, उसको मतलब बाहर थोड़ा टेरेस में रखा है, सामने इतनी प्यारी बिल्ली बैठी है यार। मौसम मंड क्या है, पूरे बांध बज चुके हैं। कैसी हो? ठीक है, चलते हैं बाद में देखते हैं इफ्तारी वगैरह में क्या पक रहा है। तो लेट्स गो। यहाँ पे आज बन रहे हैं चिकन वाला पुलाव, ठीक है। अभी पकौड़े वगैरह सब कुछ बन रहा है, अभी सिर्फ चिकन वाला पुलाव बनाया है। यहाँ पे एक बिल्ला है काला सा, मोटा सा, हमारे बारह बिल्ला है। वो कहाँ पे है? वो तो वहाँ पे है पागल। कहाँ है वो आता है, इस बिल्ले को छेड़ता है, ठीक है। ये बिल्ला घर का पालतू, उस लड़ना नहीं आता, इसलिए बच्चों को यहाँ बैठाया है कि बिल्ला है तो दोबारा में बता देना, ठीक है। चलते अंदर। अभी यहाँ पे मावल ला के टी देख रही है, मावल का पेपर हो चुके, पेपर कर अटेम्प्ट करके आ चुकी है। कैसे हुआ आपको पेपर? जो कहते हैं ना बड़े गंदे होते हैं उनके, हमेशा आगे थी बड़ा अच्छा हुआ, पिछली बार बोल फेल हुए थे ना मावल, चौथी बार 9th कर रही है ना, ऐसे ही है ना। अगर कोई टेंशन है तो हाथ में पैसे लेके जाओ और कहो ये पैसे पकड़ ले और मुझे टिंगा दे, उसको कोई टीचर ना लिपस्टिक वगैरह दे देना, हो जाता है। तो इस काम में माहिर है आप लोग, क्या पता ये दसवीं, ये 6th 9th की और 8th 10th कर रही है, अभी भी 9th में बैठी हुई है ना, और बहुत मनाई मिलती है। अभी यहाँ पे दस्तर खान लगा ले सर, अभी मतलब बर्तन वगैरह लगाया, अभी खाना के कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है। वो जाके देखते अभी क्या क्या पका है किचन में। लास्ट को दाल बैठ के पहले से खाना खा रही है। यहाँ पे अभी बनी है फ्रूट चाट, यहाँ पे बन गए चावल, यहाँ पे बन रहे पको, सब कुछ ऑल टू ऑल सब कुछ हो गया। अभी मिलते हैं हम आपको दुबह के वक्त। तो बस अभी हमने इफ्तारी वगैरह कर लिया, उम्मीद आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद है। अगर पसंद है तो सब्सक्राइब वीडियो को लाइक बने, मुझे बाद मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।